दोस्तों, शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी की दीवानी हुई सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर। गिल के 94 रनों की तारीफ करते हुए क्या कहा है सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने, दिखाएंगे उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मुकाबले में शुभमन गिल ने एक बार फिर से महफिल लूटी। जी हाँ, भारतीय टीम के उभरते सितारे शुभमन गिल ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, आपको बता दें मुकाबले में 51 गेंदों में ही 94 रन बनाने वाले शुभमन गिल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। गिल के पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने इस मुकाबले में चौकों से ज्यादा छक्कों में डील की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें शुभमन गिल ने अपनी पारी में केवल 2 चौके और 7 बेहद ही खतरनाक छक्के लगाए थे। वो शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी ही थी जिसके दम पर गुजरात टाइटंस ने लखनऊ को 56 रनों से शिकस्त दी। बड़े भाई कृणाल पांड्या के सामने छोटे भाई हार्दिक पांड्या की टक्कर में शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सबका दिल जीत लिया। मुकाबले के बाद हर तरफ शुभमन गिल की जमकर तारीफ हो रही है। युवराज सिंह से लेकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों ने शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी पर सलाम ठोका है। और अब शुभमन गिल की पारी पर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने भी बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल की पारी की तारीफ करते हुए सारा तेंदुलकर ने कहा, अनबिलीवेबल, वो हर एक मैच में इतना बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पाते हैं। उन्होंने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी की। वो एक टीम प्लेयर हैं, वो हर मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उनकी बल्लेबाजी देखने में सच में मजा आता है। मुझे लगता है वो भारतीय टीम के लिए भी अकेले दम पर कई सारे मुकाबले अकेले जिताएंगे। उनके भविष्य के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको बता दें लखनऊ पर गुजरात की जीत के बाद अब गुजरात टाइटंस के 16 अंक हो गए हैं। प्लेऑफ में पहुंचने के अब हार्दिक पांड्या की टीम बेहद करीब है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस 16 अंकों में भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। हालांकि अभी भी गुजरात टाइटंस के कई सारे मुकाबले बाकी हैं और वो प्लेऑफ के लिए आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। पिछली बार की चैंपियन गुजरात टाइटंस इस बार भी चैंपियंस की तरह ही खेली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार भी हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस चैंपियन बन पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।